शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ए रुक रे, थामा थामा। कमिश्नर साहब, इस बार बहुत बड़ा कंसाइनमेंट हाथ लगा है। करोड़ों रुपए की ऑटोमेटिक वेपन्स है। शाबाश अर्जुन, पुलिस डिपार्टमेंट ही नहीं पूरे देश को तुम पर नाज है, और हर बार की तरह इस बार भी गवर्नमेंट के इनाम के हकदार तुम ही हो। पूर्णिमा बहन, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। अर्जुन, पूजा कहाँ है? हाँ, पूजा को नहीं लाया? कहाँ है पूजा? पूजा कहाँ है? हाँ, कहाँ है पूजा? अरे डॉक्टर, देखो ना, पूजा को नहीं लाया। पूजा को नहीं लाया? मैं पूजा को तेरे पास लेके आऊंगा। पूजा कहाँ है? मैं पूजा को लाऊंगा। कब लेके आएगा तू? संभाली अपने आप को। कब लेके आएगा? क्यों नहीं लाया उसे तू? देख देख देख, वो लेके जा रहा है पूजा को। देख, वो लोग लेके जा रहे हैं। नहीं मां, नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे मां, नहीं बेचेंगे। अर्जुन, उसे बचा ले, रोक उसे, रोक, बस कर मां, बस कर, रोक उसे, रोक, पूजा को बचा ले मां। पूजा किसी बाजार में नहीं बिकती और ना ही बिकेगी। मेरी जिंदगी के दो किनारे हैं, एक पे तू खड़ी है और दूसरे पे मेरी बहन पूजा। दोनों किनारों को मिलाना ही मेरा मकसद है। छोटे पठान रज्जू सिंह, तुम्हारी लंबी कड़ी तपस्या के बाद आज पहली बार हमें ऐसा सुराग मिला है जो शायद हमें पूजा तक पहुंचा सके। आज से 10 साल पहले छोटे पठान और उसके गैंग ने तुम्हारे पिता की हत्या कर दी और यहां से फरार होकर गाजियाबाद पहुंच गए। वहां पर एक पुलिस चेस के दौरान उसकी जीप पलट गई। उस हादसे में छोटे पठान और उसका साथी रज्जू सिंह मारा गया। इसके बाद शर्मा ने गैंग की बागडोर संभाली, लेकिन कुछ ही दिनों में ये शर्मा गायब हो गया और उसकी खबर हमें आज तक नहीं मिली। लेकिन अचानक इतने साल बाद पहली बार इन लोगों के मुंह से शट्टी का नाम उभरा है। शट्टी, जो आज के दौर का एक नामचीन आर्म्स स्मगलर है, लेकिन एक वक्त पर छोटे पठान का ड्राइवर था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आज से 10 साल पहले जिस दिन पूजा को अगवा किया गया था, उस गाड़ी का ड्राइवर यही शट्टी था। ये शट्टी हमें पूजा तक पहुंचाएगा। अर्जुन, मैंने आज तक तुम्हारा साथ दिया है और ता जिंदगी दूंगा, क्योंकि कहीं मेरे दिल में एक कसक है कि मैं भी तुम्हारे परिवार का गुनहगार हूं। कानून के अपने दायरे हैं और इस वर्दी की बंदिशों को तोड़कर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुम कानून से बंधे नहीं हो।
और तुम जानते हो कि तुम्हारा मकसद क्या है। मुझे शेट्टी कहाँ मिलेगा? मुझे शेट्टी, पहचाना मुझे? तुम लोगों ने मेरा बचपन छीन लिया। बाबू याद है, जिसे मारकर उसकी मासूम बच्ची को अगवा कर लिया था? मैं उसी बाबू का बेटा हूँ, मैं उसी मासूम पूजा का भाई हूँ। अर्जुन, पता मेरी बहन कहाँ है? ना ना, हम मुझे नहीं मालूम, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। दूसरी बार पूछने की मेरी आदत नहीं है, अगर पहली बार में कोई जवाब नहीं देता तो मैं उसकी जान ले लेता। बताता हूँ, डीके जानता है, डीके शर्मा, छोटे पठान और रज्जू सिंह के मरने के बाद वही हमारे गैंग का बॉस है, उसे कुछ लोग सिर्फ शर्मा के नाम से जानते हैं। शर्मा कहाँ मिलेगा मुझे शर्मा? वो उसकी बेटी के साथ अमेरिका से दिल्ली 5 बजे की फ्लाइट से आ रहा है। 5 बजे? अभी तो 4:30 बज गए। सर, मैं आधे घंटे में मुंबई से दिल्ली नहीं पहुंच सकता। सर, इतनी तलाश के बाद आज मुझे शर्मा तक पहुंचने का मौका मिला है। सर, मैं खामोश नहीं रह सकता, मैं हार नहीं मान सकता। मुझे किसी भी हालत में शर्मा तक पहुंचना है, किसी भी हालत में शर्मा तक पहुंचना है। अर्जुन, परसों तुमने कानून की मदद की है, आज कानून तुम्हारी मदद करेगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हादसे के बाद इंडियन गवर्नमेंट भी चौकन्नी हो गई है। प्लीज सिट डाउन। सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर जो क्लोज सर्किट कैमरा लगे हैं, उन सब का कनेक्शन इस कंट्रोल रूम से है, डायरेक्टली अपलिंक्ड वाया सैटेलाइट। सावंत, ये सब फ्लाइट 002 फ्रॉम न्यूयॉर्क, उसका स्टेटस पता करो। जो भी पैसेंजर्स इन टर्मिनल्स पर आते हैं, उन पर हम यहीं से निगरानी रख सकते हैं। सर, द फ्लाइट इज लैंडेड। सर, वंडरफुल। इस फ्लाइट के एरोब्रिज से निकलने वाले पैसेंजर्स के कैमरा को इस बड़े स्क्रीन पर लाओ। अगर शर्मा इस फ्लाइट से आया है तो हमारी नजरों से बच नहीं सकता। इतने साल बाद उसे पहचान पाएंगे? कई साल पहले हमारा एक एनकाउंटर हुआ था, वो बच निकला था, लेकिन उसका चेहरा मुझे याद है। मैं किसी मुजरिम का चेहरा नहीं भूलता। हे, ज़ूम इन। यस सर। यस, दैट्स शर्मा, दैट्स हिम। सावंत, इमिग्रेशन से डी के शर्मा का पासपोर्ट नंबर पता कराओ। आई वॉन्ट ऑल हिज डिटेल्स। यस सर, इमीडिएटली। ये शर्मा वो शख्स है जिसने तुम्हारे पिताजी को छोटे पठान के गैंग से मिलवाया था। उस वक्त वो एक छोटा प्यादा था, लेकिन आज उस गैंग का बॉस बन गया है। यही तुम्हें तुम्हारी बहन तक पहुंचा सकता है। वो आप देख रहे हैं, उसकी बेटी, जिसे वो हर बाप की तरह बहुत प्यार करता है, वो लड़की ही मेरी बहन तक पहुंचने का जरिया बनेगी।